हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ फ़िश फ्राई की रेसिपी। इसे आप फ़िश तंदूर भी कह सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। इसे आप बहुत ही आसानी से घर में ही बना सकते हैं। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स जो आपके पास घर में अवेलेबल होते हैं, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ आप ये बहुत ही मज़ेदार फ़िश फ्राई अराउंड 10 से 15 मिनट में ही बना सकते हैं। तो इस रेसिपी को जानने के लिए आप मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिश फ्राई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सुरमई मच्छी के ऐसे पीसेस लिए हैं, स्लाइस में कटे हुए इस तरह से। उसके ऊपर मैंने 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून मिर्ची पाउडर और 1 आधे नींबू का रस मैंने इसमें डाल के मैरिनेट किया था और इसे आधे घंटे के लिए रख दिया था। अब इसमें मैं डाल रही हूँ, इसमें 1 नींबू का रस है और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है तीखा वाला। 2 टीस्पून गेहूं का आटा डाल रही हूँ मैं इसमें। 1.5 टीस्पून तंदूरी चिकन मसाला, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। 1.5 टीस्पून मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। अब इन सारी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। ये देखिए, मैंने सारे फिश के पीसेस को अच्छी तरह से मसाले में मैरिनेट कर लिया है। अब इसे हम एटलीस्ट आधे घंटे के लिए रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। फिश को मैरिनेट करके आधा घंटा हो गया है, अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पर एक तवा लिया है। तवा में थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अभी मैंने फ़िलहाल गैस को लो कर दिया है। अब इसमें हम एक एक करके फिश के पीसेस डाल देंगे। ये देखिए, मैंने फ़िश के पीसेस डाल दिए हैं थोड़े से तवे में। अब हम इसे एक साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे, फिर इसे दूसरी तरफ टर्न करेंगे जब ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब। अभी मैंने गैस को मीडियम फ्लेम पर रखा है। 4 से 5 मिनट हो गए हैं फ़िश को मीडियम फ्लेम पर फ्राई करते हुए। चलिए इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, एक साइड से ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे टर्न कर लेते हैं। फ़िश के पीसेस को मैंने एक साइड से गोल्डन ब्राउन होने के बाद दूसरे साइड टर्न कर दिया है। अब हमें दूसरे साइड से भी इसे गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेना है। 4 से 5 मिनट हो गए हैं दूसरी साइड से भी फ़िश को फ्राई करते हुए। चलिए इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, दूसरी साइड से भी ये हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए, मैंने थोड़े से फ़िश के पीसेस को फ्राई करके निकाल लिया है एक प्लेट में। इसी तरह से हम बाकी के सारे फ़िश के पीसेस को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, मैंने सारे फ़िश के पीसेस को फ्राई कर लिया है। कितनी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुका है ये देखिए। अब मैं आपको इसे प्लेट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने सारे फ़िश के पीसेस को प्लेट कर दिया है। कितना डिलीशियस लग रहा है, कितनी अच्छी तरह से फ्राई हुआ है। मसाला बहुत अच्छे से कोट हो गया है इसके ऊपर। फ्राई करते टाइम हमारा मसाला निकला नहीं था, बिकॉज हमने इसमें 2 टेबलस्पून आटा मिलाया था गेहूं का, इसलिए प्रॉपरली चिपक गया था। आप अगर चाहे तो गेहूं का आटा स्किप भी कर सकते हैं, बट फ्राई करते टाइम आप चावल का आटे से कोट करते हुए फ्राई कीजिए। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।